प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है इसमें धान के दाने को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। तो धान के यदि दाने को आप डंडियों से अलग करना चाहते हैं तो इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इसे थ्रेसिंग के विधि से हम अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है। पृथक्करण की इस विधि को नियंत्रण विधि कहते हैं। नियंत्रण विधि के माध्यम से इसे अलग किया जाता है। देखिए आंसर नीचे दिया गया है, थ्रेसिंग और नियंत्रण। अगला प्रश्न हमारा कहता है समुद्र के जल से नमक किस विधि से वापस नमक को तैयार किया जाता है, तो उसे किया जाता है वाष्पन विधि से। याद रखिएगा वाष्पन प्रक्रिया के माध्यम से ही समुद्र के जल से नमक की प्राप्ति होती है। किस विधि से? वाष्पन विधि से। अगला प्रश्न हमारा कहता है जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां जो होती है, उसकी गंदगी जो होती है, वो तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को हम निस्तारण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहलाता है? निस्तारण की प्रक्रिया कहलाता है।